हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के समर्थन में आज बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं और मौजूदा हरियाणा की सरकार को केंद्र की सरकार के सामने किसानों का जायज पक्ष रखना चाहिए, ताकि केंद्र की सरकार किसानों की मांगे मानकर आंदोलन खत्म करवा सके। इस अवसर पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने मध्यावधि चुनाव होने के बारे में कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जेजेपी और बीजेपी के विधायक कांग्रेस के समर्थन वाले सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी बातें मीडिया के सामने नहीं कही जा सकती, इसलिए हरियाणा की सरकार में एवं विधायकों में खलबली मच रही है। इस बात का अंदाजा उनके बयान से लगाया जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री को किसान महापंचायत ऐसे माहौल में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन में है और सरकार के साथ वार्तालाप अभी चल रही है। उन्होंने कहा कि 10 बार केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप किसानों की हो चुकी है, परंतु सभी नाकाम रही। उन्होंने कहा कांग्रेस का खुला समर्थन किसान आंदोलन के साथ है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वह विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन विधायक किसानों के साथ है और कौन ड्रामेबाजी कर रहा है। इसलिए विधानसभा में कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यपाल से समय मांगा जा रहा है, परंतु उनको समय नहीं दिया गया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, जेपी बरवाला, रघुवीर सिंह संधू, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नरवल, इंद्री से पूर्व विधायक भीमसेन मेहता, कांग्रेसी नेत्री सुरेंद्र कौर के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहां हम आपको बता दें कि कल टोल प्लाजा बस्ताड़ा पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंची थी। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। कांग्रेस का कोई न कोई नेता प्रतिदिन बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है। देखिए घरौंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। के लिए यहां पर किसानों के बीच में आए? देखिए हम आज नहीं आए, पहले दिन से ही हिंदुस्तान की टोटल कांग्रेस राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार किसानों के साथ खड़ी हो गई थी। जबकि अध्यादेश का नाम शुरू हुआ था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सबसे पहले दिन यह कहा था कि किसानों के हित में ये नहीं है। तब से लेकर अब तक ये कई बार हमने प्रदर्शन किए, कई बार ज्ञापन दिए, राज्य भवन में जाके ज्ञापन दिया, असेंबली के अंदर जाके हुड्डा साहब ने बात कही, पहले दिन से साथ हैं, आज भी साथ हैं। ये तीन जो अध्यादेश हैं ये देश को तोड़ने वाले हैं। अगर देश को बचाना है तो तीन अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे और केंद्र सरकार को समझना चाहिए, अगर किसान नहीं चाहते तो आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो। हरियाणा सरकार के बहुत सारे विधायक जो किसानों के कंधे पर चढ़ के विधानसभा पहुंचे हैं, उनका भी समय रहते किसानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। सरकार किसानों पर थोपने का कार्य कर रही है, पहले GST लागू किया, कहते हैं कि GST समझ में नहीं आया, बाद में समझ आएगा, नोटबंदी की क्या है तुम्हारे हित की बात है, अब कहीं जो अध्यादेश है। देखिए यही कमी रह गई, जब 370 तोड़ी, जब GST लगाया गया और कई मुद्दे जब हुए तो हिंदुस्तान के लोग खड़े नहीं हुए। लेकिन क्योंकि आज किसान की बात है, किसान किसी धर्म विशेष का नहीं होता, किसान 36 बरादरी के हैं, इसलिए उनकी समझ में आई है, सारा हिंदुस्तान आज किसानों के साथ खड़ा है। बाद में समझ आए ना जाए, लोगों को आज ही समझ आ रही है, बीस जो किसान का जो अध्यादेश है उससे देश फिर गुलामी की तरफ बढ़ेगा। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पहले दिन से किसानों के साथ हैं और खुद बहुत बड़े किसान हैं, वो किसानों के परिवार में पैदा हुए हैं, वो भी थोड़ी देर में आपके बीच में आने वाले हैं किसानों को समर्थन देने के लिए फिजिकल तौर पर। वैसे तो कांग्रेस के टोटल कांग्रेस किसानों के साथ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा निजी तौर पर भी कांग्रेस तौर पर भी किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन आज खुद फिजिकल तौर पर यहाँ धरने में शामिल होने आ रहे हैं। जो कोई है वो जायज है और उनका पहले से हम समर्थन कर रहे हैं और कल जो बात रखी है, मेरा सरकार से बार बार आग्रह है कि ये कानून जो है वापस लें, क्योंकि ये किसान विरोधी कानून है। अगर हमारी सरकार हमारी पार्टी सरकार आई तो कानून हम खत्म करें। सर, JJP के और निर्दलीय विधायक क्या आपके संपर्क में? JJP और निर्दलीय विधायक संपर्क में है, कुछ बातचीत वगैरह चल रही है? देखिए ये बात अलग है, सारी बात आपको बता रही है, लेकिन मैं यहाँ सरकार से बोल रहा हूँ
जो यहाँ झूठे मुकदमे बनाए हैं वो भी मुकदमे वापस है नौजवानों में, और आज यहाँ किसान सभा करने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी को चाहिए, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार को प्रभाव डाल के उसको उसको कहे कानून वापस लें। बुढ़े साहब, कांग्रेस का खुला समर्थन है आंदोलन को? हाँ, समर्थन है, क्योंकि मेरा 14 तारीख 14 अगस्त को आपने पढ़ा होगा मेरा आर्टिकल आया था टीवी में पूरा, आपको लगता है सर स्थिति के हिसाब से मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, संभव होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की थी विधानसभा का स्तर बुलाने, क्योंकि हमने मांग की है राज्यपाल को भी, वहाँ पे आपको पता लगेगा जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कई चेहरे बेनकाब होंगे, तो यहाँ समर्थन कर रहे हैं वहाँ भी समर्थन कर रहे हैं, तो ये पता लग जाएगा उससे अविश्वास प्रस्ताव से कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन किसानों। सर, एक निजी चैनल का सर्वे आया था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को महज 8% वोट प्रतिशत मिला है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.